अखिलेश यादव ने डीजीपी का चाय पीने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमारे इस पर जहर भी दिया सकता है, कहीं ना कहीं लगता है क्या कि अखिलेश यादव को जान का खतरा है इस सरकार में? अखिलेश यादव जी को तो पहले अपनी सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए। अगर पुलिस के ऊपर, पुलिस विभाग के ऊपर इस तरह का अगर उन्होंने आरोप लगाया है, तो जब भरोसा नहीं है तो फिर सुरक्षा का कैसे भरोसा है? तो उनको तो जो भी सिक्योरिटी में उनके लोग लगे हैं, पहले तो उनको हटा दें। जब जान का इतना बड़ा खतरा है तो उनको हटा देना चाहिए, फिर उसी पुलिस को साथ लेकर के क्यों चलते हैं? नहीं चलना चाहिए। एक चीज और देखा गया मंत्री जी के बाहर तो बोल रहे हैं, सदन के अंदर क्यों नहीं लड़ जाते? सदन के अंदर जब लोकसभा चले, इस इशू को लेकर के सदन में उनको बोलना चाहिए ना, बाहर बोलने से क्या होगा? बीजेपी भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, वो सोच रही है कि बोलना उससे को फर्क पड़ा है। वो बीजेपी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक जाएगा दस वहाँ लाइन लगाए हुए हैं, जल्दी हटे दूसरा आ जाएगा। कितने वरुण गांधी वहाँ वेटिंग में खड़े हैं। देखिए उनका विषय है, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो जब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर सकती, तो फिर तो उनको वो रास्ता छोड़ करके दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। बयानबाजी ना करते हुए अपना तो घर वापसी कर लेनी चाहिए, लगता है आपको? बिल्कुल कर लेना चाहिए। बाहर तो बोल रहे हैं, सदन के अंदर क्यों नहीं लड़ जाते? सदन के अंदर जब लोकसभा चले, इस इशू को लेकर के सदन में उनको बोलना चाहिए ना, बाहर बोलने से 20 करोड़ आबादी है, कोई दूसरा पैदा हो जाएगा। देखिए अभी तक जो विपक्ष की एकजुटता, अब जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो आज के तारीख में बसपा कहाँ खड़ी है? बसपा तो सरकार नहीं बना सकती दिल्ली में, सपा सरकार नहीं बना सकती, आरजेडी जदयू नहीं सरकार बना सकती, आपके तृणमूल कांग्रेस नहीं बना सकती। मतलब स्टेट वाइज जो पार्टियां हैं वो सरकार कैसे बना सकती हैं दिल्ली में? इनको लामबंद होना पड़ेगा ना। अभी एकजुटता का कोई रूप तो दिखा नहीं, तो जब तक एक मोर्चा बने, मोर्चे में सब लोग शामिल हों, अपना रणनीति जो है उसको तय कर लें कि इस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे, एक नेता चुन लें और उस नेता के नेतृत्व में काम चालू करें, तब ना कुछ कहा जा सकता है। अभी तक तो जो आज के तारीख में अभी तक जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ है, अभी बहुत दूर है दिल्ली। अब जिस तरह का मूवमेंट है, उस मूवमेंट में तो यही दिख रहा है, अभी तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब मोदी जी जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का ऑप्शन अभी तक विपक्ष नहीं तैयार कर पा रहा है। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री 24 के होंगे। अब भाजपा का काम है, वो मोदी जी को बनाते हैं, गडकरी जी को बनाते हैं, कि राजनाथ जी को बनाते हैं, कि योगी जी को बनाते हैं, किसको बनाते हैं? तो सत्ता में आएगी तो बीजेपी का है ना, अभी तक तो बीजेपी सत्ता में है, 24 में भी बीजेपी ही आएगी। लेकिन आपका बिना साथ का योगी जी सरकार, मोदी जी सरकार कैसे बनाएंगे? क्या आपका साथ भी रहेगा? देखिए जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, लामबंद नहीं होगा, तब तक लड़ाई, बीजेपी से लड़ना अकेले किसी के बस का नहीं है, ये सच्चाई है। बिहार में जाति गणना शुरू हो गई है, बिहार में जाति गणना शुरू है, प्रदेश अपने यूपी में कब से जाति गणना शुरू होने की आप कि हमारी सरकार तो है नहीं, हम तो कहीं इस बात के लिए हम बराबर उनको प्रेरित करते रहते हैं। तीसरे मोर्चे की लामबंद के लिए आपका किस तरह का प्रयास होगा 2024 में? दूसरा मोर्चा की तीसरा कहाँ से बनेगा? दूसरा मोर्चा होगा ना जी। आपका प्रयास रहेगा क्या? अभी तो हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा प्रयास जो वंचित लोग हैं आज़ादी के बाद, उन्हीं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। दूसरे मोर्चे की कोई तैयारी? अभी कोई तैयारी नहीं, हमारी तरफ से कोई न पहल है न तैयारी हो रही है। अभी हमारा ध्यान पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगा। अगर कोई दूसरा मोर्चा तैयार करता है तो उस मोर्चे के साथ आप जाएंगे? अब वो समय बने, विकल्प फिर विचार किया जा सकता है, वो समय और परिस्थिति तय करेगी। ठीक है।
शेक्सपियर।